हम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं। गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेन्द्रावनयाली लाल की कार्तिक मातम की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमराज जी का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातः काल द्वितीया को यमराज जी में स्नान करने से प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमुना से यमराज की पूजा किए गए और भोजन कराए गए थे। एक समय पर जिस समय पर सूर्य लोक में सूर्य भगवान के परिवार में आपसी कलेश हो गया, जिसमें शनिदेव भी उनसे रुष्ट होकर के चले गए थे। शनिदेव ने सूर्य को गेंद भी लगा दिया था। इधर यमराज जो है वो भी अपने पिता से नाराज होकर के अपनी यमपुरी संयमपुरी में चले गए। इधर यमुना भी उसी समय पर अपने भाई के जाने से दुखी होकर के सूर्य लोक से पृथ्वी लोक पे आकर के बहने लगी। पूरा युग बीत चुका था। द्वापर युग की शुरुआत में इधर यमराज को अपनी बहन की याद आई। यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि पृथ्वी पर जाकर के मेरे बहन का पता लगाओ। दूतों ने पता लगाया कि यमुना जी मथुरा में विश्राम घाट पर रह रही हैं। चाहे यमुनोत्री से आई हैं, पर यमुना जी का जो रहने का स्थान है वो विश्राम घाट पर है। विश्राम घाट मथुरा में रहती हैं। दूतों ने जाकर के यमराज को बताया तो यमराज आज के दिन द्वितीया के दिन यानी कि यम पंचक शुरू होते उस दिन से निकले थे। फिर अपनी बहन को खोजते खोजते विश्राम घाट पर पहुंच गए। जिस समय यमराज बहन के यहाँ पर पहुंचे, बहन यमुना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने भाई का स्वागत किया, यमराज को बिठा करके भोजन भी कराया, अपने भाई के लिए भेंट दी, तो यमराज ने भी अपनी बहन के लिए भेंट दी और कहा कि बहन, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो हमसे वरदान प्राप्त कर लो। यमराज जी ने कहा कि भाई, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे केवल एक ही वरदान दे दो कि कोई भी प्राणी मुझ में स्नान करे उसे आपके और आपके दूतों के दर्शन ना हो। यमराज संकट में पड़ गया, बहन की बात को टाल भी नहीं सकता था। यमराज को चिंतित देख करके बहन यमुना ने कहा कि भाई, मैं इसका भी निवारण कर देती हूं। मैं चाहती हूं कि जो यम द्वितीया के दिन बहन भाई दोनों हाथ पकड़ के मेरे इसी स्थान पर स्नान करें और एक दूसरे को भेज दें और बहन भाई को भोजन करावे, उनको दर्शन ना हो। यमराज ने कहा, ये वरदान दे सकता हूं तथास्तु। जो सच्चे मन से बहन भाई यहां पर आकर के स्नान करेंगे, अगर अपनी बहन नहीं उठती है, धर्म की बहन के साथ में भी यहाँ पर भोजन करें, उनको मेरे लोक के दर्शन नहीं होंगे। उस समय पर तीनों लोकों में बड़ा उत्सव मनाया गया। जब यमराज ने ऐसा वरदान दे दिया तो तीनों लोकों में बड़ी खुशी मनाई गई, तभी से यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसलिए कहते हैं कि इसे भैया दूज भी कहते हैं। इस दूज को भाई को चाहिए कि बहन के यहां पर ही भोजन करें, प्रीति से बहन के हाथ से भोजन करें, बहन को विधान से दान दें, स्वर्ण के अलंकार वस्त्र सत्कार इनसे पूजन करें। अगर बहन नहीं हो गए तो गुरु की कन्या को भी अपनी बहन बना सकता है। हे राजन, गुरु की कन्या नहीं हो तो धर्म की बहन भी बना करके
उसके साथ में जो यमुना स्नान करे भैया दूज मनावे। इधर बहन जो है उसे भाई की आयु बढ़ाने के लिए आज चिरंजीवियों का पूजन करें और प्रार्थना करें कि हे आज चिरंजीवियों, हे मार्कंडे, हे महाभाग, तुम जैसे 7 कल्पों तक जीते हो वैसे मेरा भाई की भी दीर्घायु, मेरे भाई को किसी भी प्रकार का संकट नहीं आवे। मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, परशुराम, ये आज चिरंजीव कह जाते हैं। इनका चंदन अक्षत से पूजन करके भाई के मस्तक पर चंदन और अक्षत लगावे और प्रार्थना करें कि हे भगवान, यदश्च दिवाकरोचा गगने यामन मई सिंधव हो, कि जिस प्रकार से जब तक चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म, ये लोग पृथ्वी पर हैं, तब तक मेरे भाई का वंश हमेशा स्थिर रहे। इस मंत्र को पढ़ करके प्रार्थना करते हुए अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगावे, भोजन करावे, तो बहन के आशीर्वाद से भाई पूरे 12 महीने प्रसन्न रहता है, रोगों की शांति होती है, दुख नाश होता है। राजा पृथु ने कहा कि भगवान, आपने यम द्वितीया की बहुत अच्छी कहानी कथा बताई, इसे अवश्य करना चाहिए। संसार के लिए आपने प्रसिद्ध किया, आपने कहा कि यमुना जी का स्नान बहुत श्रेष्ठ होता है, इसलिए वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन जाकर के सबसे पहले यमुना स्नान जरूर करना चाहिए। अगर यमुना स्नान नहीं कर सकते हैं तो यमुना जी को प्रणाम करो और उनके जल के छींटे अपने शरीर पर जरूर मारो और यमुना जी के स्नान से, गंगा स्नान से ज्यादा फल यमुना स्नान का हो जाता है। गंगा जी तो पापों से मुक्त करती हैं, परंतु भाई अपनी बहन की ज्यादा सुनेगा या किसी और की? यमुना जी तो बहन है उनकी, तभी तो कहते हैं ना, वृंदावन को वास भलो जा पास बहे जमुना पटरानी, जो जन नाय के ध्यान धरे है बैकुंठ मिले तिनकू रजधानी, वेद पुराण बखान करे या संत मुनिन तिनके मनमानी, जमुना जम दूतन तारत है भव तारत है श्री राधिके रानी। यमुना जी की विशेषता, गंगा यमुना दोनों ही शेष हैं, दोनों ही पूजनीय, पर यमुना जी यमराज की बहन है और कृष्ण की पटरानी है, तो पति पत्नी की सुनेगा और भाई बहन की सुनेगा, तो दोनों ही जगह पर यमुना जी यमराज की बहन भी हो गई और प्रभु की पटरानी भी हो गई, अस्त्र पटरानियों में आती हैं। तो यमुना का एक बार का स्नान ही कई बार गंगा स्नान के बराबर हो जाता है। गंगा जी भगवान के चरणों की दासी हैं, क्योंकि भगवान के चरण धोने से उत्पन्न हुई थी विष्णु भगवान के द्वारा, वो चरणों की दासी हैं और वो स्वयं पत्नी हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, अगर किसी के पति से भी बात बनवानी है उसकी पत्नी से कह दो, वो पीछे लग के उस काम को करवा ही देगी। हमारे ठाकुर जी नहीं सुन रहे हैं तो राधा रानी से प्रार्थना करो, राधा रानी की बात कभी भी ठाकुर जी नहीं टाल सकते। ऐसे यमुना स्नान जरूर करना चाहिए, और यमुना जी में और राधा रानी में कोई द्वेष भाव नहीं है कि यमुना जी के ठाकुर जी के अंदर आवे जैसे राधा रानी के अंदर आवे कि ये तो मेरे स्वामी की पत्नी है, शौक से एक जलन होती है, परंतु वो नहीं है। यमुना जी राधा रानी की सेविका है, सेवा करती हैं, तो उनको निज धाम में प्रवेश कराया गया है, इसलिए यमुना जी का जरूर दर्शन करो, यमुना जी को जरूर प्रणाम करो। और सबसे ज्यादा शेष होता है मथुरा वृंदावन में, चाहे यमुना जी सब जगह बह रही है, यहां भी बह रही है, परंतु उस जगह पर विशेषता हो जाती है उस जगह पर, क्योंकि जैसे आप हैं, आप इस कॉलोनी में रहते हैं पूरे में, पूरी जगह घूमते हैं, परंतु कोई आपको रास्ते में
घर का निमंत्रण दे दे, घर का बुलावा दे दे, अपमान हो गए, पर उतनी खुशी नहीं होगी। अगर कोई आपके घर पर ही पहुंच जाए तो वहां पर मान सम्मान एक अलग ही होता है, तो उनका वो घर है। इसलिए मथुरा वृंदावन में तभी कहा जाता है कि ब्रज की रज और यमुना जी का स्नान और संतों की दर्शन ये जरूरी है। वृंदावन में कहा जाता है कि भक्त कहते हैं, वेद पुराण में आया है कि भगवान के वृंदावन में, निज वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। वो निज वृंदावन है कहाँ? निज वृंदावन में किसमें प्रवेश चाहिए? निज वृंदावन इसी जगह पर है, जिस जगह ये वृंदावन जो दिखाई दे रहा है ना, इसी जगह निज वृंदावन दिखाई देगा। और यहां पर जैसे मृत्यु के बाद प्रवेश, कह रहे ठाकुर जी प्रवेश कराते हैं, अब कहा जाता है कि अगर कोई पापी हो क्या उसे भी मिलेगा? कहते हैं वृंदावन में प्राण त्यागने से पापी को भी प्रवेश मिलता है। उस निज वृंदावन में पापी को जो है किसी वैसी योनि में जाएगा, निकृष्ट योनि में जाएगा, तो उस निज वृंदावन में पशु पक्षी भी हैं, कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, सब कोई हैं, इसी जगह पर हैं। ऐसे ही वहां रहने के लिए घर भी है, आपको वहां पर रहने के लिए घर भी मिलेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, खर्चा के लिए, परंतु वहां एक ही अंदर होगा कि वहां पर आपको बांके बिहारी का मंदिर भी मिलेगा, राधा वल्लभ का मंदिर भी मिलेगा, सारे मंदिर होंगे, सारी परिक्रमा होगी, वहां भी आपको लगाने को मौका मिलेगा, यानी कि पूरा सब कुछ मिलेगा आपको। पर अंतर एक ही है कि यहाँ आप ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हो, यहाँ पर मूर्ति रूप में सामने विराजमान होते हैं, और निज वृंदावन में प्रवेश करोगे तो ठाकुर जी वहां बात करेंगे आपसे। राधा वल्लभ जी के मंदिर जाएंगे तो राधा वल्लभ जी खड़े होंगे वहां, स्पष्ट कहेंगे आ भक्त जल्दी से मेरे दर्शन कर लें। बांके बिहारी के मंदिर में जाएंगे तो बांके बिहारी वहां पर कहकर के प्रसाद मांगते हैं, कहते हैं भैया आज मेरे लिए ये मन कर रहा है, कल वो लेकर के आना, सखा मेरे लिए कल माखन लेकर के आना, वह कहके मांगते हैं कि ठाकुर जी बात करते हैं वहां पर, कहते आकर के आओ जल्दी आओ, आके मेरे दर्शन करो समय से, एक दिन नहीं जाओगे उस निज वृंदावन में, कहेंगे कल आया नहीं था, कल मैं प्रतीक्षा कर रहा था, कल तू मेरे दर्शन करने क्यों नहीं आया। यानी कि स्वरूप यही होता है, पर सब कुछ साकार होता है, आपको सब कुछ ठाकुर जी के आमने सामने जैसे बातचीत करते हैं वैसे ही बातचीत ठाकुर जी से होगी, वही निज वृंदावन है। उसी निज वृंदावन में से इस वृंदावन में जब लोग भटक जाते हैं तो उन्हें सुधारने के लिए भगवान ही कहते हैं, जैसे सखियां होती हैं इनकी, जैसे महाराज श्री हरदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार थे, तो ये चित्र वही है। ललिता सखी की इच्छा हुई कि प्रभु आज संसार में आपका ज्ञान लुप्त हो रहा है, जो जीव है ये भटकने लग गए। भगवान ने कहा कि देवी तुम जाओ, जाकर के अवतार लो और जाके प्रचार करो। तो ललिता सखी हरदास जी बन के आई और आकर के ठाकुर जी का प्रचार किया, फिर वापस निज वृंदावन में सखी भाव में प्रवेश कर गए। पंडित जी मेरे घर में ये चित्र है। इसी तरह से चेतन महाप्रभु आए निज वृंदावन में से ही, इस वृंदावन में उद्धार करने के लिए संत आते हैं, तो इसलिए बड़े भाग्य में इस वृंदावन के दर्शन पड़ रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, तो कोशिश ये करो ठाकुर जी अपने निज वृंदावन में ही प्रवेश करा दो, हम वहां भी आपकी सेवा करें। देवर्षि नाथ जी कहते हैं राजन इसी तरह से सप्त गंगाएं कही जाती हैं, जिनने गंगा यमुना सरस्वती रेवा त्रिवेणी पयोष्णी नर्मदा ये सभी नदियां आती हैं। नारद जी के वचन सुनकर के राजा पृथु ने कहा भगवान आपने कहा कि गंगा जी का स्नान भी बड़ा श्रेष्ठ होता है, गंगा नाम लेने से भी मुक्ति प्राप्त होती है। नाथ जी कहने लगे हे राजन सिद्धदायक दुख स्वप्न नाशक धर्म युक्त पाप नाशक मुनियों से भी नित्य शून्य योग गंगा जी का महात्म होता है। भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न पुण्य रूपी गंगा जी
और सूर की कन्या यमुना, इनका संगम बहुत श्रेष्ठ होता है। गंगा यमुना का जहाँ पर मिलन होता है, इनके स्मरण माँ से वहां दर्शन करने मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन को शांति प्राप्त होती है। नदियों में श्रेष्ठ सभी पाप रोग नाश करने वाली गंगा और यमुना है। समुद्र में पृथ्वी में जितने पुण्य क्षेत्र हैं, वो सभी जाकर के इनके संयम प्रयागराज में श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। प्रयाग में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का पूजन किया था। मुनि लोगों ने बहुत सारे से यज्ञ किए थे, इसलिए वहां जाकर के स्नान करना इन सभी के 16 अंश के बराबर भी नहीं है, इसलिए वह स्नान करें। सैकड़ों योजन से भी जो लोग गंगा यंगमा कहते हैं, वो सभी पापों से छूट जाते हैं। और समीप बालों का कहना है क्या, मोक्ष की अपेक्षा रखने वाले मुनियों को गंगा व काशी का सेवन करना चाहिए। गंगा का स्नान महा पुण्य है, देवताओं का दर्शन दुर्लभ है, विष्णु जी मोक्ष प्रदान करते हैं, इससे बढ़कर के श्रेष्ठ क्या है। गंगा जी में पाप करने वाले पापी अनेक प्रकार से भटकते हैं, इसलिए तीर्थों में जाकर के पाप ना करें। और जो सभी प्रकार के पापों से पीड़ित हैं, वो गंगा में जाके स्नान करने से पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होते हैं। स्नान करने वाले अपने माता पिता के कुलों को तार देते हैं। जो कोई गंगा जी का स्मरण करता है, सभी तीर्थों में स्नान करने की बराबर पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, जो मनुष्य गंगा जी में और तुलसी की मूल की मिट्टी को इनको भी मस्तक पर तिलक लगाता है, गंगा यमुना सरस्वती तुलसी, तुलसी का भी दर्शन कहा जाता है, तुलसी की नीचे की मिट्टी भी लेकर के मस्तक पर लगा लो तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जल में तुलसी की मिट्टी नीचे की घोड़ करके जड़ के नीचे की और उसे छिड़क लो, गंगा स्नान कर लिया, इतना फल प्राप्त होता है। इसलिए गंगा की मिट्टी, यमुना की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी, ये सभी वैकुंठ प्राप्त करा लेती हैं। जिस प्राणी के मन में केवल मानसिक भाव भी आ जाता है कि हम गंगा जी कब जाएंगे, यमुना जी जाके कब स्नान करेंगे, या मथुरा वृंदावन का जैसे भाव आता है कि ठाकुर जी हमें भी मथुरा वृंदावन बुलाओ, तो एक भाव जो बनता है उससे भी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो कोई प्राणी संसार में मोहित होते हुए भी तुलसी धारण करता है, गंगा जी का ध्यान कर लेता है, वो मनुष्य पापों से छूट जाता है। इसलिए राजन, गोदावरी, भीमवती, गंगा, रेवणा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुदा, वित्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू, ये सभी गंगा जी में स्थित रहते हैं। इसलिए स्नान करते समय गंगा सरस्वती देवा पयोसी नर्मदा जले इसना पतो असी देवा तथा शांति कुरुष में, इस मंत्र को बोलकर के स्नान करते हैं, उन्हें सप्त गंगा का फल प्राप्त होता है। जो काशी क्षेत्र का भी दर्शन करते हैं, इसके साथ में जो काशी मथुरा इनका ध्यान करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, काशी में महादेव जी के ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं और गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं, वो सभी पापों से छूट जाते हैं। हे राजन, हरि हर में कभी भी भेद नहीं है, इसलिए जो शिवलिंग है उसे ही भगवान विष्णु समझो, क्योंकि शिवलिंग अकेले शिव जी का स्वरूप नहीं है। लोग समझते हैं कि शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग जो है इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा होती है, दोनों की बात है, क्योंकि दोनों की ज्योति से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म ज्योति है। शिव जी का साकार रूप तो शिव रूप है और जो शिवलिंग है वो हरि हर का ही रूप है, दोनों ही स्तंभ रूप है, दोनों ही ब्रह्म है, इसलिए दोनों को एक रूप माने। वही एक रूप रुद्राय हरि युग अंतर में संसार का नाश करते हैं, वही एक रूप सृष्टि करता है, संगार करता है, पालन करता है,
परंतु शिव और विष्णु दोनों एक ही रूप होते हैं, ब्रह्मा तो उनका अंश होता है, हरिया दोनों एक ही रूप होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी विष्णु के स्वरूप हैं। जो शिव और विष्णु में भेद समझता है वो प्राणी नरक को प्राप्त होता है, इसलिए हरिहर में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। जो नर्मदेश और शालग्राम की मिट्टी, शालग्राम शिला, इसके साथ में महादेव जी की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति, तुलसी का वन, पुराण का पूजन, जिस जगह पर कथा पुराण का पूजन होता है भगवान साक्षात वहां पर वास करते हैं, और गंगा स्नान, काशी का दर्शन, मथुरा का भ्रमण, ये सभी फिर कहां रहते हैं, सभी तीर्थ गंगा में रहते हैं, गंगा जी प्रभु के चरणों में रहती है और सारे तीर्थ इनके धाम में रहते हैं, सभी तीर्थ फिर सभी तीर्थ वृंदावन में रहते हैं, परंतु ये सब कहां रहते हैं, ये सभी जो है पुराणों में रहते हैं, क्योंकि ज्ञान सारा नहीं से निकल रहा है, पुराणों में रहते हैं, इसलिए राजन पुराण को सुनने में भक्ति गंगा स्नान के समान है। सबसे बड़ी फिर गंगा स्नान कौन हो गया, भक्ति की रस गंगा, जो ये भक्ति की धारा बह रही है कथा की, ये सबसे बड़ी गंगा स्नान हो गया। अगर इसमें जो स्नान कर लिया वो तो जन्म मरण से मुक्ति हो जाता है, इसलिए पुराण वाचने वाले को हरि का रूप ही मानना चाहिए। आप जहां भी कथा सुनने जाते हैं, जो कथा पे व्यास बैठा था, जो कथा सुना रहा आपको कथावाचक, उसको हमेशा भगवान विष्णु का रूप ही मानो कि वो ही स्वयं सुना रहे हैं। तो इसलिए हरि का रूप मान करके जो उनकी भक्ति करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल ही प्राप्त होता है। पुराण वाचने वाले में जो भक्ति है वो प्रयाग के समान है, जो पुराण की धर्म कथा कहकर के आपको संसार सागर से उद्धार कर रहा है, क्योंकि अगर ग्रंथ पुराण है इनको कोई हमें सुना रहा है, जो धर्म गद्दी पे बैठ के सुना रहा है उसकी व्याख्या कर रहा है, वो हमारे संसार से गुरु की तरह उद्धार ही कर रहा है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है बिना टीचर के पढ़ नहीं सकता, किताबें उसके सामने रख दी जाए, जो शिक्षक होगा वही तो उसे सिखाएगा। इसी प्रकार से जो कथा वाचक होता है, कथा सुनाने वाला, वो हमें धर्म का ज्ञान दे रहा है, वो भगवान विष्णु के समान हो जाता है, इसलिए उनको जो है भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके पूजन करें, तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं कि पापों से मुक्त हो जाते हैं, गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान कोई देवता नहीं, और गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं। वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, नक्षत्रों में चंद्रमा, और समुद्रों में खीर सागर, और नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। गंगा जी का नाम रूपी वन जलाने से दावानल रूपी ये रोग नाश हो जाते हैं, इसलिए गंगा जी का स्नान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्रों में गायत्री मंत्र अति श्रेष्ठ होता है, गायत्री और गंगा दोनों ही पापों को नाश करती हैं। जो इनकी भक्ति से हीन है वो प्राणी भ्रष्ट हो जाता है। लोक की माता गायत्री है और लोक की माता गंगा है, इन दोनों का ध्यान करें। जहां भी हो किसी भी इष्ट देव को मानते हैं फिर भी गायत्री का मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। अब गायत्री मंत्र भी ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो मुख्य हो गया, पर गायत्री के भी 24 प्रकार है, 24 मुद्रा की जाती हैं, और हर देवता की गायत्री होती है। जैसे भगवान विष्णु की है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यानी गायत्री माता को जिस इष्ट को मानते हो उस इष्ट देव के मंत्र के रूप में भजो। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः ये मंत्र जपते हैं, ये तो मुख्य है ही, इसको संध्या वंदन के समय जपा जाता है, परंतु हर इष्ट की नारायण गायत्री, रुद्र गायत्री, कृष्ण गायत्री, राधा गायत्री,
हाँ देवी देवता की गायत्री होती है। गायत्री किसे कहा जाता है? उनकी शक्ति होती है, वो उसे जपने से शक्ति प्राप्त होती है। और भगवान का नाम भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए, हमेशा पापों का नाश करता है। और कभी भी मत सोचो, जैसे आप कहते हैं कि हमें तो कई वर्ष हो गए भगवान की पूजा करते हुए, हमारा काम नहीं बन रही, क्योंकि इस कलयुग में चमत्कार को नमस्कार कहते हैं। प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, कुछ चमत्कार दिखा नहीं दे रहा तो कुछ नहीं होता इनसे। थोड़ी विपत्ति आ गई, परमात्मा कुछ हमारा संग, इतनी हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमें दुख मिल रहा है। अपनी थोड़ी सी पूजा करने का इतना अभिमान हो जाता है कि हम भगवान को इतना बजते हैं, हम रोजाना नियम से बजते हैं, एक से एक भक्त संसार में, और उनको कष्ट भी बहुत झेलने पड़े। इससे ज्यादा कष्ट क्या होगा कि जिस भक्त के द्वारा उसके इकलौते बेटे को आरे से चिरवाएं, ऐसे ज्यादा कष्ट क्या होगा कि भक्ति में पूरे परिवार को ही बिकवा दें। ऐसी भक्ति क्या कर सकते हैं हम। और इस समय भी जैसे संत होते हैं, एक से एक संत कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट में भी संत हंसते रहते हैं। इसलिए जो है भक्ति में कभी भी जो है अभिमान नहीं लाना चाहिए, श्रद्धा से भक्ति करें, भगवान के प्रति समर्पण भाव का दे, अभिमान नहीं लाए, तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।